राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल नू मेडिक रबारी में। और आज टाइम हो गया है हॉस्टल से चेकआउट करने का, तो मैं यहाँ पे 2 दिन 2 रात पहले आ गया था। ये सोची सिटी सेंटर में है, दी आर्ट करके नाम है और बहुत अच्छा हॉस्टल है। मेरे को गरीब पड़ा, आप देखो 1700 रुपये का, मतलब 1700 रूबल का, 1700 रूबल का पड़ा मेरे को कमरा। इसका अच्छा कमरा है, अटैच बाथरूम है साथ में और कॉमन एरिया किचन भी है, आप कुक कर सकते हैं चाहे तो वहाँ पे। तो मज़ेदार बात यह है कि दी आर्ट नाम जो है इसका, वो एक रीज़न के कारण है। ये मेरा रूम है, आप देखिए बहुत अच्छी खिड़की है पीछे, और ये देखिए ये पीछे जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग है फ्लोटिंग टाइम। तो ये जो जिन्होंने बनाई है तो वो है सल्वाडोर डेली। आपने नाम सुना ही होगा सल्वाडोर दली का। तो ये जब वो पेंटिंग बना रहे थे महानुभव, तो आप सोचिए उनके दिमाग में कोई चीज़ का ख्याल था अंदर, जब उन्होंने ये फ्लोटिंग टाइम जो पेंटिंग बनाई थी। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत फेमस पेंटर हुए हैं वो। और ये देखिए आप, और रशिया में काफ़ी लोग उनको पूछते हैं। ये रूम है, अच्छा है रूम, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैसी है, सॉरी, क्योंकि चेकआउट कर रहे हैं तो सही नहीं है। और बाहर मैं दिखाऊंगा आपको एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग और बात करेंगे वहाँ पे। तो ये मेरा हॉस्टल है, फर्स्ट फ्लोर पे था मेरा रूम और अच्छा है ये काफ़ी। अब देखिए ये इसका पीछे किचन है, कॉमन एरिया है, और एक पेंटिंग पीछे भी है, आप देख सकते हैं वहाँ। ये एक स्पोर्ट्स है, आप यहाँ कुछ खेल सकते हैं, कपड़े सुखा रहे हैं लोग अभी तो यहाँ पे। लेकिन तो मैं आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला था, तो ये देखिए ये हॉस्टल है दी आर्ट करके, और ये मेन रोड से बहुत बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको जो मेन दिखाने वाला था कि सल्वाडोर दली जो है वो कौन है भाई साहब, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मेन यहाँ का अट्रैक्शन है। ये देखिए आप, ये आप हैं सल्वाडोर दली। आप बहुत फेमस पेंटर हुए हैं दुनिया के अंदर, और काफ़ी फेमस पेंटिंग है इनकी जो प्रसिद्ध हुई है। आपने बचपन में बहुत डराते थे इनको, इनके साथ वाले वो इंसेक्ट से, तो इन्होंने उसको भी बाद में पेंट किया बहुत अच्छी तरीके से। और दुनिया के अंदर पता है आपको, एक चूपा चूस करके एक लॉलीपॉप आती है जो कि बहुत फेमस हुई, उसका जो कवर है वो इन्होंने बनाया, मतलब मुझे यही याद है अभी। और बाकी आप उनका पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत फेमस हुए हैं। और ये अपनी मूँछों को लेके बड़े ही प्रसिद्ध थे, इस लुक को लेकर। तो अच्छा है हॉस्टल, पर ये पेंटिंग है, मतलब ये जानकारी है, आपको कुछ जानकारी मिलेगी इससे, तो अच्छा है। आप आइए, रुकिए, दी आर्ट करके नाम है हॉस्टल का। तो दी आर्ट इसलिए पड़ा इस हॉस्टल का नाम, बिकॉज दली साहब जो हैं उनकी पेंटिंग है पूरे हॉस्टल में हर जगह, इसलिए इनका नाम पड़ा दी आर्ट हॉस्टल का। और मिलते हैं फिर अगले शहर में, बिकॉज आज मेरी यात्रा यहीं ख़त्म होगी। अब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, वहां से फ्लाइट लूंगा और वापस जाऊंगा मैं मॉस्को। तो फिर अगले एक व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए राम राम। तो मैं एक स्टोर में आया था कुछ इंडियन मसाले लेने के लिए, जो शाम को मैं पालक पनीर बनाने वाला हूँ उसके लिए। भाई साहब दिल्ली से हैं, कुछ अभी बोल रहे हैं कि कोविड के कारण सब आया नहीं सामान, तो अभी से मुझे जीरा मिला है और एक किचन किंग मिला है, तो इनसे ही काम चलाऊंगा मैं। बाकी देखते हैं, और जो लोकल मिलेंगे उससे लेंगे और काम चलाएंगे। धन्यवाद। ये पालक पनीर डल जाएगा भैया? हाँ वही डल जाएगा। धन्यवाद। ओके भैया, शुक्रिया।
Own anything? आप कहाँ से भी? मैं जोधपुर राजस्थान. टूरिस्ट है क्या? हाँ. आप कितने हो गए आपके यहाँ पे? मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनके लिए मैं कल बनाऊंगा पालक पनीर इंडियन स्टाइल में. तो बहुत ढूंढने के बाद काफ़ी चीज़ें मिली हैं, बट ठीक है, मिल जाता है सब कुछ इजीली. बहुत सारा सामान है, ये सारा सामान वो कुछ और भी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए वो कुछ श्रिम्प वगैरह लाए हैं, बाकी मशरूम है, ये पनीर है, देखिए ये पनीर है, और ये फ्रेश क्रीम है, बाकी तो सब्जी आप देख ही रहे हैं सारी, और रोटी बना नहीं सकता इसलिए ये ब्रेड लिए है, और बाकी मसाले हैं ये सब. तो बनाऊंगा मैं पालक पनीर, कुछ बियर भी ली है, और ये राइस है देखिए. तो बनाऊंगा मैं पालक पनीर और आपको दिखाऊंगा कैसा बनता है पालक पनीर. आज बनाई जा रही है पालक पनीर, वो भी रशिया में मॉस्को के अंदर बनाएंगे पालक पनीर.